and welcome to my channel. This is Megha and you're watching Megha's Beauty Land. So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर का रिव्यू. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो ये मॉइस्चराइजर आपको मार्केट में तीन डिफरेंट क्वांटिटी में मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 70 ml एंड 150 ml एंड 250 ml मिलता है. सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को चूज़ कर सकते हो. अगर आपको कम क्वांटिटी चाहिए है तो आप 75 ml वाला ले सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए है तो आप 250 ml वाला भी ले सकते हो. सो अब हम बात कर लेते हैं इस मॉइस्चराइजर के प्राइस की. सो इस मॉइस्चराइजर का MRP है 120 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 75 ml, 200 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 150 ml एंड 300 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 250 ml. अगर आप इस मॉइस्चराइजर को Amazon से परचेज करोगे तो आपको ये 75 ml वाला मॉइस्चराइजर 120 rupees में मिल जाएगा, एंड 150 वाला मॉइस्चराइजर आपको 190 rupees में मिलेगा, एंड 300 ml वाला मॉइस्चराइजर आपको 225 rupees में मिल जाएगा. सो अगर आप इस मॉइस्चराइजर को 300 ml वाली क्वांटिटी में परचेज करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा. सो आपको कम रुपीज में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी. बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप इस मॉइस्चराइजर को फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो तो आप 75 ml वाला मॉइस्चराइजर परचेज करें, उसको यूज़ करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप 300 ml वाला मॉइस्चराइजर परचेज करें, सो दैट अगर आप बड़ी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो. मेरे पास ये जो मॉइस्चराइजर है ये 300 ml वाली क्वांटिटी में है. मैंने इस मॉइस्चराइजर को नायका की हॉटेस्ट पिंक सेल ऑफ द ईयर से परचेज किया था, और इस मॉइस्चराइजर के लिए मुझे सिर्फ पे करना पड़ा है 200 rupees. मैंने इस मॉइस्चराइजर को अपने नायका वाले हॉल में आप लोगों के साथ में शेयर किया था. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो. और जो भी मैंने नायका से प्रोडक्ट परचेज किए हैं आप उन सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हो. आप इस मॉइस्चराइजर को नायका से भी परचेज कर सकते हो. नायका पे आपको ये 75 ml वाला मॉइस्चराइजर 120 rupees में, एंड 150 ml वाला मॉइस्चराइजर आपको 210 में, एंड 300 ml वाला मॉइस्चराइजर आपको 240 में नायका पे मिल जाएगा. नायका पे करेंटली इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, जो कि है 12 से 21 अगस्त तक. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेजिंग. अगर हम इस मॉइस्चराइजर की पैकेजिंग की बात करें तो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी कन्वीनियंट पैकेजिंग में आता है. और अगर आप इस मॉइस्चराइजर को 75 ml वाली क्वांटिटी में परचेज करते हो तो आपको बहुत ही स्लिम सा टब मिल जाता है, जो कि बहुत ही ईजिली आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो. मेरे पास ये मॉइस्चराइजर 300 ml वाली क्वांटिटी में है, सो ये कैरी करने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. अगर आप इस मॉइस्चराइजर को अपने साथ में कैरी करना चाहते हो तो आप 75 ml वाला मॉइस्चराइजर परचेज कर सकते हो. सो अगर हम बात करें इस मॉइस्चराइजर के इनर पैकेजिंग की, तो इस मॉइस्चराइजर को ओपन करने पर आपको ये अंदर से सिल्वर फॉइल मिल जाता है, और इस फॉइल को रिमूव करने पे आपको ये वाइट कलर का मॉइस्चराइजर मिल जाता है. जो मॉइस्चराइजर है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक या फिर बहुत ही ज़्यादा रनी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है. सो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी लाइट वेटेड है और बहुत ही ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो इस मॉइस्चराइजर का टेक्स्चर काफ़ी लाइट वेटेड एंड सॉफ्ट लग रहा है. सो अगर बात करें ब्राइटनिंग इफेक्ट की, तो इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पे हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आया है. सो ये जो मॉइस्चराइजर है ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं है, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है. अगर हम बात करें इस मॉइस्चराइजर के फ्रेग्रेंस की, सो इस मॉइस्चराइजर में कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है जो कि आपको इरिटेट करे या फिर आपको इनकन्वीनियंट लगे. अगर हम बात करें इस मॉइस्चराइजर के शेल्फ लाइफ की, सो आपको इस मॉइस्चराइजर पे 3 years की शेल्फ लाइफ मिल जाती है, आई थिंक जो कि मोर देन इनफ है. अगर आप इस मॉइस्चराइजर को डेली अप्लाई करते हो तो आई थिंक ये मॉइस्चराइजर आपका 2 से 4 महीने तक आराम से चल जाएगा. फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से कम दिन में एक बार हमें अपने फेस पे CTM रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए. सो ये CTM क्या है इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ.
सी फॉर क्लेंजिंग, टी फॉर टोनिंग एंड एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। सो आप जब भी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करें, मेक श्योर अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, अदरवाइज जो भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ आपके फेस पे है वो आपके मॉइस्चराइजर के साथ में आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। सो आप जब भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, आप उसको हमेशा अपनी क्लीन स्किन पे ही अप्लाई करें। अगर हम बात करें इस मॉइस्चराइजर के इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसमें आपको विटामिन ई एंड ग्लिसरीन मिल जाता है। आपको डिटेल इंग्रेडिएंट की लिस्ट बैक ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो व्हाट्स माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस मॉइस्चराइजर। सो ये मॉइस्चराइजर स्किन पे काफ़ी लाइट वेटेड है और ये परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए एज वेल एज ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसकी एक से ज़्यादा लेयर बिल्ड कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्रीसी या फिर स्टिकी सा नहीं फील करेगा। अगर आपकी स्किन पे एक्ने या फिर पिंपल्स हैं तो भी ये मॉइस्चराइजर आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। सो ये मॉइस्चराइजर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से इस मॉइस्चराइजर को परचेज़ कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन बाय।